प्रायः बारात वगैरह निकलती है तो उसमें से दूल्हे के लिए अलग सवारी तय की जाती है, बाकी बारातियों के लिए अलग सवारियां तय होती हैं। ठीक इसी तरह से ये राशियां जब इन भावों में बैठ जाएं, मतलब वो मजबूत हो रही हैं। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से आप सबके सामने उपस्थित हूं। अब ये मैं नहीं कह सकता कि ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, कारण कि ज्योतिष का कोई भी विषय या आपके पाठ्यक्रम का कोई भी विषय, कोई भी शिक्षक ये नहीं कहना चाहिए कि ये महत्वपूर्ण नहीं है और ये महत्वपूर्ण है, कारण कि प्रत्येक विषय का अपना स्थान होता है और प्रत्येक विषय अपने आप में उसकी महत्ता होती है। आज जिस कार्यक्रम को लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हूँ, वो षडबलों में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण बल होता है जिसका नाम है दिग्बल। और दिग्बल का मतलब होता है कि राशियाँ जो 12 होती हैं ये किसी खास दिशाओं में बहुत ही मजबूत हो जाती हैं या फिर बहुत ज़्यादा बली हो जाती हैं। इस वजह से इनको जैसे ही ये राशियाँ अगर इन दिशाओं में स्थित हो जाती हैं, तब उनके दिग्बलत्व का जो प्रभाव होता है वो बढ़ जाता है और उसका प्रभाव तीव्र हो जाता है। सबसे पहले समझने वाली बात यह है प्रिय दर्शकों कि षडबल में जब आप जन्म कुंडली देखते हैं तो उसमें विभिन्न कैलकुलेशन के बाद ग्रहों का षडबल तैयार किया जाता है कि उसको किस किस प्रकार का बल मिल रहा है। 6 प्रकार के बल होते हैं क्रमशः, जिसमें से आज मैं आपको दिग्बल के बारे में बताऊंगा। मेरे कार्यक्रम बनाने का उद्देश्य आज के कार्यक्रम का ये बिल्कुल नहीं है कि मैं आपको षडबल के बारे में आने वाले दिनों में बताऊंगा, ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ आज के कार्यक्रम में सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि कौन सी राशियां किन दिशाओं में जाकर के बली हो जाती हैं। यहां मैंने एक चक्र बनाया है जिसमें मैंने एक दिन आपको बताया था कि ये लग्न पूर्व दिशा, सप्तम भाव पश्चिम दिशा, चतुर्थ भाव उत्तर दिशा और दशम भाव जो होता है वो दक्षिण दिशा का द्योतक होता है। यानी कि ये कुंडली के क्रमशः जो चारों केंद्र हैं वो विभिन्न दिशाओं के माने जाते हैं या विभिन्न दिशाओं के प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसमें से लग्न पूर्व, सप्तम पश्चिम, चतुर्थ उत्तर और दक्षिण दिशा का प्रतिनिधित्व करता है कुंडली का दशम स्थान। आज प्रिय दर्शकों मैंने यहां लिखा है दिग्बल, और दिग्बल में लिखा है सबसे पहले चतुष्पद राशियां, द्विपद राशियां, जलचर राशियां और कीट राशियां। राशियों को विभिन्न क्रमों में बांटा गया है या इनका कैटेगराइजेशन किया गया है इनके प्रकृति और गुण धर्म के आधार पर, या फिर ये कह सकते हैं कि उनके आकृति के आधार पर। अब जरा ध्यान से समझिए कि चतुष्पद राशियां, तो चतुष्पद यानी कि ये जो राशियां हैं इनके जो प्रतीक चिन्ह हैं वो 4 पैरों के हैं। मतलब अगर आप ध्यान से देखें तो मेष राशि चतुष्पद है, यानी कि मेष राशि का जो प्रतीक चिन्ह है उसके 4 पैर हैं, या फिर वो एक तरह से ये कह सकते हैं कि वो उसके जो आधार हैं, उसके जो आधार हैं वो 4 पैरों वाले हैं। ये मैं बिल्कुल सरलता से और सटीकता से समझाने के लिए आपको उदाहरण स्वरूप बता रहा हूं कि ये चतुष्पद राशियों का मतलब है 4 पैरों वाली राशियां। तो मेष राशि जिसका अर्थ मेढ़ा होता है, ये बकरे की तरह या भेड़ की तरह ये 4 पैरों वाली राशियां हैं, यानी कि इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो बकरे की तरह है। तो 4 पैर बकरे के, इसलिए इसको चतुष्पद राशियों के अंतर्गत रखा गया है। साथ ही साथ अगर वृष राशि यानी कि बैल, तो वृषभ राशि का जो प्रतीक चिन्ह है वो बैल की तरह होता है और उसको भी 4 ही पैर होते हैं। साथ ही साथ सिंह, तो सिंह राशि जो है वो भी चतुष्पद राशि के अंतर्गत आती है। ठीक उसके बाद धनु का उत्तरार्ध, धनु राशि जो है उसमें घोड़ा भी है और साथ ही साथ पुरुष भी है, तो उसके उत्तरार्ध यानी कि उसके पीछे का जो है हिस्सा उसको उत्तरार्ध कहा जाता है और आगे के हिस्से को पूर्वार्ध कहा जाएगा। यानी कि उत्तरार्ध का मतलब है कि उत्तरी भाग यानी कि पीछे के भाग का आधा हिस्सा धनु राशि का चतुष्पद राशियों के अंतर्गत माना गया है। और उसके बाद मकर राशि, तो मकर राशि जो है मकर का जो प्रतीक चिन्ह है वो मगरमच्छ है, तो मगरमच्छ का पूर्वार्ध यानी कि आगे का आधा हिस्सा
उसको चतुष्पद राशियों के अंतर्गत रखा गया है। अब प्रिय दर्शकों, ये चतुष्पद राशियों पे जब इसको बता रहा हूं तो इसको क्लियर कर देना चाहता हूं कि चतुष्पद राशियों में मेष, वृष, सिंह, धनु का पूर्व उत्तरार्ध और मकर का पूर्वार्ध है। ये राशियां हमेशा याद रखिएगा कि ये जहां भी होंगी, अगर ये राशियां कुंडली के दशम स्थान में बन रहे हो, अगर यहां एक नंबर लिखा हो, नौ नंबर लिखा हो, दो नंबर लिखा हो, पांच नंबर लिखा हो, तो ये राशियां बली हो जाती हैं। यानी कि अगर यहां पे ये एक, पांच, नौ, दो यानी और दस नंबर लिखा हो, मतलब यहां पे जैसे ही ये राशि बन जाती है तो ये इस भाव को बल प्रदान कर देती हैं। मैंने बताया मेष राशि अगर दशम स्थान में, यानी कि चतुष्पद, यहां च मैंने लिखा है तो चतुष्पद, यानी कि अगर कुंडली के इस भाव में, कुंडली के दशम भाव में जहां से चतुष्पद राशियां जो हैं वो बली हो जाती हैं, अर्थात मेष, वृष, सिंह, धनु और मकर राशियां अगर यहां पे बन जाती है, इसका अंक यहां लिखा हो, तो समझ लीजिए कि ये भाव को एक प्रकार का बल प्राप्त हो रहा है और ये भाव मजबूती की तरफ बढ़ रहा है। प्रिय दर्शकों, दूसरे नंबर पे आते हैं द्विपद राशियां। तो द्विपद का मतलब है दो पैरों वाली, द्वि मतलब दो और पद मतलब पैर। तो द्विपद में आते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि का जो प्रतीक चिन्ह है वो दो पैरों वाले, क्रमशः उसमें पुरुष और स्त्रियां संयोग करती हुई दिखाई देती हैं, इस वजह से वो दो पैरों वाली हो जाती है। मतलब उसमें जो है दो पैर, यानी कि द्विपद और कन्या, तो कन्या राशि में भी एक स्त्री या एक महिला या एक लड़की, तो उसके भी दो पैर। और साथ ही साथ तुला राशि, तो तुला राशि ऐसा एक पुरुष जो पैरों पर खड़ा है और हाथ में तराजू लिए हुए है, तो वो भी द्विपद है। और साथ ही साथ धनु का पूर्वार्ध, तो धनु का पूर्वार्ध, तो धनु राशि के अगर आप प्रतीक चिन्ह को देखें तो उसमें सामने का जो हिस्सा होता है वो पुरुष का होता है और उसके पीछे का हिस्सा घोड़े का होता है। तो आगे के मनुष्य का जो हिस्सा होता है, यानी कि पूर्व का आधा भाग, वो पुरुष का होता है, इस वजह से उसको द्विपद राशियों के अंतर्गत माना गया है। साथ ही साथ कुंभ राशि, तो कुंभ राशि एक व्यक्ति ऐसा जिसने अपने कांधे पे घड़े को धारण किया है, तो पुरुष यानी कि दो पैरों वाला, तो इस वजह से यह कुंभ राशि भी, जो कि स्थिर राशि मानी जाती है, ये भी द्विपद राशि के अंतर्गत आती है। तो अगर द्विपद, देखिए मैंने यहां लग्न में द्विपद लिखा है, यानी कि अगर लग्न में तीन नंबर लिखा हो या छह नंबर लिखा हो या सात नंबर लिखा हो या फिर नौ नंबर लिखा हो या फिर कुंभ लिखा हो यानी कि 11 नंबर लिखा हो, तो ये लग्न में आ करके ये राशियां बली हो जाती हैं। यहां धनु पूर्वार्ध, तो धनु पूर्वार्ध का मतलब है, अब यहां पे अंश को देखना होगा कि वहां पे धनु राशि कितने अंशों पे बन रही है या फिर वहां पे जो लग्न है वो कितने अंशों का है। यहां पे एक बार उस अंश को देख लेना होगा कि वो अंश बल से कितना मजबूती उसको मिल रही है। अर्थात अगर लग्न में तीन नंबर लिखा हो, छह नंबर लिखा हो या सात नंबर लिखा हो या नौ नंबर लिखा हो, साथ ही साथ ग्यारह नंबर लिखा हो, तो मतलब इसका यह है कि ये लग्न, ये जो लग्न बन रहे हैं विभिन्न, मिथुन, कन्या, तुला, मकर और ये क्रमशः ये लग्न बली हो जाते हैं। मतलब ये राशियां अगर यहां पे आपकी कुंडली में बन रही है, कुंडली के पहले भाव में, तो ये द्विपद राशियां अगर कुंडली के लग्न में बन रही हैं, मतलब ये श्रेष्ठ हो जाता है और स्थिति अच्छी हो जाती है। अब प्रिय दर्शकों, एक बार फिर से मैं आता हूं जलचर राशियां। जलचर राशियां कुंडली के चतुर्थ स्थान में, तो जलचर राशि में कौन कौन सी राशियां आती हैं, कर्क राशि, केकड़ा और मकर राशि यानी कि मगरमच्छ। तो मगरमच्छ का उत्तरार्ध यानी कि उसके पीछे का आधा हिस्सा, उत्तरार्ध यानी कि उत्तर भाग, उत्तर मतलब पीछे और पूर्व मतलब पहले, तो मकर उत्तरार्ध। और साथ ही साथ मीन राशि जो कि जलचर राशि है, मछली, तो ये मीन राशि, कर्क राशि और मकर राशि, ये जो राशियां हैं ये जलचर राशियों के अंतर्गत रखा गया है इनको, या फिर ये कह सकते हैं कि कुंडली के चतुर्थ भाव में, कुंडली के चतुर्थ भाव में अगर चार नंबर लिखा हो या फिर बारह नंबर लिखा हो या फिर दस नंबर लिखा हो, तो अगर यहां पे ये अंक लिखे हों, मतलब उस भाव को बल मिल रहा है या फिर ये बल जो है इसको एक प्रकार का बल प्रदान कर रहा है,
अर्थात इनको दिग्बल मिल रहा है। षड्बल का एक प्रमुख बल जिसे दिग्बल कहा जाता है यहां उसको मिल रहा है। एक बार फिर ये दर्शकों कुंडली के अंतिम मतलब एक यहां पे चर्चा कर लेते हैं। कीट राशियों के अंतर्गत सिर्फ एक राशि आती है, वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के आधिपत्य मंगल के पास होता है और वो कीट राशि जो कुंडली के सप्तम भाव से अगर यहां पे आठ नंबर लिखा हो, अगर कुंडली के सप्तम स्थान में आठ नंबर लिखा हो तो ये उस राशि को या फिर उस भाव को मजबूती कर देता है या फिर उसमें मजबूती ला देता है। एक बार फिर से मैं इसे क्लियर कर देता हूं, आपको किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन ना रहे। ये मैंने जो चक्र बनाया है इसमें सिर्फ मेरे बताने का मतलब यह है कि अगर इन कुंडली के चारों भावों में क्रमशः मैंने जहां च लिखा है चतुष्पद, जहां द्वि लिखा है द्विपद, जहां ज लिखा है जलचर और जहां की लिखा है कीट, यानी कि ये जलचर राशियां, द्विपद राशियां, चतुष्पद और कीट राशियां, अगर ये अंक भी लिखे हों तो मतलब कि स्थिति अच्छी है। अगर जलचर राशि, अगर चतुष्पद राशि में मेष, वृष, सिंह, धनु, उत्तरार्ध और मकर ये राशियां बन रही हो, इसका मतलब है कि ये भाव मजबूत हो रहा है या फिर ये राशियां इस भाव में जाकर के अपने फलाफल को वृद्धि देने वाली हैं। साथ ही साथ अगर द्विपद राशि तो लग्न में अगर द्विपद राशियां बन जाए अर्थात मिथुन, कन्या, धनु, तुला और कुंभ राशि, तो ये राशियां द्विपद राशियों के अंतर्गत आती हैं और अगर ये लग्न में बन जाती हैं, अगर ये अंक लग्न में लिखे हों तो समझ लीजिए कि जातक श्रेष्ठ होने वाला है या अच्छी स्थिति को या एक अच्छी कुंडली का निर्माण होने का नींव पड़ गया है। कारण कि जो राशि को जहां से बल मिलता है वो राशि अगर वहीं बैठ जाती है तो उसको एक तरह से प्रत्यक्ष रूप से और परोक्ष रूप से वो कुंडली मजबूत कही जाती है। क्योंकि मुझे जहां बैठना चाहिए था मैं वहां बैठा हूं, मुझे जहां बैठना चाहिए था, राजा को जहां बैठना था वो वहां बैठ गया है, अब वहां से वो अपनी कमान संभाल लेगा। मंत्री को जहां बैठना था मंत्री को बिठा दिया गया है, वो वहां से अपना काम संभाल लेगा। ठीक इसी तरह से मतलब आप जब कभी किसी फंक्शन वगैरह में जाते हैं तो कहां देखते हैं, मेरी स्थिति कहां है, मैं कहां बैठूंगा। तो ये बात है, जब प्रायः बारात वगैरह निकलती है तो उसमें से दूल्हे के लिए अलग सवारी तय की जाती है, बाकी बारातियों के लिए अलग सवारियां तय होती हैं। ठीक इसी तरह से ये राशियां जब इन भावों में बैठ जाएं मतलब वो मजबूत हो रही हैं और उनको वो फल अच्छा करने वाली हैं। जलचर राशियां कर्क राशि, मकर राशि और मीन राशि अगर कुंडली के चतुर्थ भाव में बन जाए, मतलब अगर मान लीजिए यहां मैंने द्विपद राशि लिखी है तो मिथुन राशि अगर मान लीजिए यहां लग्न में तीन नंबर लिख जाए तो ये श्रेष्ठ हो जाता है। अगर ठीक उसी तरह से कन्या राशि यहां लिख जाए यानी कि छह नंबर लिख जाए तो ये श्रेष्ठ हो जाती है। ठीक उसी तरह से मेष राशि अगर चतुष्पद राशि यानी कि कुंडली के दशम स्थान में एक नंबर लिख जाए तो ये श्रेष्ठ हो जाता है, तो ये अच्छी स्थिति का द्योतक हो जाता है। प्रिय दर्शकों, एक छोटे से कार्यक्रम में मैंने आपको बताया कि किस राशि को किस भाव में ज्यादा बल मिलता है, कुछ इसी तरह से कार्यक्रम का समापन करते हैं। आशा करते हैं आपको यह कार्यक्रम अच्छा लगा होगा और निश्चित रूप से अगर ये देखें तो ये भाव और ये राशियां अगर इन भावों में बैठ जाती हैं और वो उस भाव के स्वामी होकर के या फिर इस भावों में बैठ करके अगर थोड़े से कमजोर भाव में भी बैठ जाती हैं या अंश का बल अगर उनको थोड़ा कम भी मिल जाए तो वो एक तरह से अच्छा ही होता है, या ये कह सकते हैं कि वो उसको कमजोरी नहीं, उसके कमजोरीपन को थोड़ा कम ही करता है, यानी कि ये कह सकते हैं कि उसको प्रायः एक बल ऐसे ही मिल जाता है। क्योंकि वो राशि जहां बन रही है, अगर जहां उसको बनना चाहिए और वो वहां बन रही है तो निश्चित रूप से वो आपके पक्ष में है। कुछ इसी तरह से कार्यक्रम का समापन करते हैं, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।